हाय गाइस, दिस इज जेआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेके एक और फ्री जॉब अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी टच कर ले। गाइस, आज की जॉब होने वाली है आप लोगों के लिए डिमांडेबल जॉब वेयर हाउस में। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट रहेगा, उसमें वेयर हाउस में काम करना रहेगा आपको। लैंग्वेज क्राइटेरिया और एज लिमिट, सैलरी टाइमिंग सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ओनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ही कॉल कीजिएगा। जिसको काम की जरूरत है, जो काम करने के इच्छुक है और जो काम करना चाहता है, जिसके पास काम नहीं है, वही कैंडिडेट्स कॉल करें, अन्यथा टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं करें। सर, मुझे तो जो है 25,000 का सैलरी चाहिए, खाना पीना फ्री चाहिए। सर, मुझे 16,000 चाहिए, खाना पीना फ्री चाहिए। तो वो सब बंदे मेरे पास कॉल नहीं करें। रिक्वेस्ट एक और बार आप लोगों से कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जिसको नीड है काम की, वही बंदा कॉल करें और वीडियो को पसंद आने पर शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की ये जॉब होने वाली है, वो जॉब आप लोगों के लिए बहुत ही डिमांडेबल जॉब काफी टाइम से। वेयर हाउस में पिकिंग का काम, पैकिंग नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ पिकिंग रहेगा। एक्चुअल डिटेल्स में बताऊं तो करना क्या रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है एक, वहां पे आपको एक लिस्ट दी जाती है प्रोडक्ट की, आइटम की। वो लिस्ट देख के उसके अकॉर्डिंग आपको सामान निकालना है। अब सामान में कॉस्मेटिक्स है, खाने का प्रोडक्ट है, वो सब बहुत सारी प्रोडक्ट चीजें रहती है जो आपको निकाल के उनको एक बॉक्स में दे के उनको हैंड ओवर करना है। ज्यादा कुछ हेवी काम रहता नहीं है, जस्ट एक 10 to 15 days में आप वो सब सीख जाते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ पे रखा है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर, किसका क्या नाम है। जनरल प्रोडक्ट रहता है जो हम लोग अपने यूज करते हैं डेली प्रोडक्ट, तेल साबुन जो यूज करते हैं, बस वही प्रोडक्ट रहता है। उसका वेयर हाउस है बहुत बड़ा, तो वहां पे काफी लड़कों की रिक्वायरमेंट है, वहीं पे आपको काम करना है। अगर कैंडिडेट्स पढ़ा लिखा है तो वो निकालने का काम करेगा पढ़ने का, और अगर अनपढ़ है कि जो है सर मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं पढ़ने लिखने नहीं जानता, तो भी उसके लिए काम मिलेगा। उसको सिर्फ काम निकालना रहेगा कि उसको पहले बोला जाएगा कि वो चीज वहां पर पड़ी है, वो प्रोडक्ट वहां पर रखा, उतना पीस लेके आ, उतना पीस उठा के लेके आ, बस वही काम। तो धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है साथ साथ में, और उसका काम भी दिया जाता है साथ साथ में। वेयर हाउस में काम रहेगा। लोकेशन की बात करो तो मत्ती केरी रहेगा लोकेशन, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन है इसमें, मत्ती केरी बेंगलोर लोकेशन में। कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट करूं तो प्रेजेंट टाइम ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें, 10 to 15 कैंडिडेट्स, जस्ट 12 से 15 लड़के लोगों की ही रिक्वायरमेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में। लैंग्वेज हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। हमेशा गाइस मैं एक ही चीज बोलता हूं कि लैंग्वेज कभी भी मैटर नहीं करती है। आपको अगर एक्सपीरियंस है किसी चीज का तो बेझिझक होकर आप हमारे पास आइए। आप चाहे कन्नड़ा वाले हैं, या फिर आप चाहे हिंदी वाले हैं, या फिर आपको हिंदी कन्नड़ा कुछ भी नहीं आता, तमिल भी क्यों नहीं आता है, इंग्लिश ही आता, तो हमारे पास काम मिलेगा आपको। लैंग्वेज आज के टाइम में कभी भी जो है मैटर नहीं करता, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। आपको पहले कहाँ काम किया है, कौन से कंपनी में काम किया है, किस हिसाब से काम किया है, वही सब काम आता है, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये जॉब। सैलरी आके इसमें रहेगा, स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं, 12,000 रुपए सैलरी रहेगा। कंपनी की तरफ से रूम फ्री दिया जाएगा, नो फूड, खाना पीना इसमें फ्री नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, सारा काम सीख जाते हैं, तो ये परमानेंट जॉब है। आपको एक बार ज्वाइन होने के बाद निकालने वाला वहां से कोई भी नहीं है, जब तक आप न चाहे। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है, प्लस जो बोनस के तौर पे, जैसे दीपावली गिफ्ट हुआ, दीपावली बोनस हुआ, और भी बहुत सारी छुट्टी आती है उसमें जो बोनस हुआ, वो सब आपको मिलता है। इसमें ESIPF नहीं रहता, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पूरा ही पूरा प्राइवेट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करूं तो इसमें जो है संडे छुट्टी रहता है, वीक में सिर्फ 6 दिन ही काम करना रहता है। कभी मान लो कि जो है कुछ और हॉलीडे आ जाता है, या फिर कभी जो है मान लो, कहने का मतलब है कि बीच में दिन में 2-1 घंटा आराम भी आपको मिलता है। तो बहुत सारे बोले तो छोटे बड़े जो है बेनिफिट्स रहता है इसमें,
लेकिन वो सब आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलता है, योर रियल जॉब रहता है। इसके अलावा आपको जो है ड्यूटी दी जाती है सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 घंटा, 10 घंटा भी नहीं रहेगा, सिर्फ 9 घंटा ड्यूटी रहती है इसमें। तो गाइज जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, सिर्फ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, अगेन गाइज सिर्फ इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो काम के इच्छुक है, जिसको काम की जरूरत है, जो काम करना चाहता है, वही बंदा कॉल कर रहे हैं। भटकते हुए आत्मा की तरह आके यहां नहीं रहे। बंदे लोग क्या करते हैं आजकल, लड़के लोग कैंडिडेट्स लोग, की आते हैं 2 दिन 3 दिन ड्यूटी करते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है, किसी और का वीडियो देखते हैं और उनके जहाज में आ जाते चले जाते, वही फिर जो है 15-20 दिन बाद वापस कॉल करते हैं, सर जो है हम लोग ऐसा ऐसा वीडियो देखा था वहां चले गए थे, सॉरी सर वहां हमको काम नहीं मिला, बिठा दिया या फिर हमसे पैसा ले लिया, हमसे बैठा पैसा लूट लिया। फिर वो बंदे जो हम लोगों के पास कॉल करते हैं ज्वाइन के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं करें, किसी एक के ऊपर ट्रस्ट रखें। अगर आपको लगता है कि मैं पैसे दे के जो है काम खोजना चाहता हूं, तो आप बेफिक्र वहां होके जाइए, टाइम पास के लिए यहां कॉल नहीं आई है। हमारे पास हमेशा की तरह फ्री जॉब है, फ्री जॉब रहता है, 100% जो है परफेक्ट, 100% जो है जेन्युइन जॉब रहता है। हम कभी भी जो है कैंडिडेट से पैसे नहीं लेते हैं, जैसे दूसरी कंसल्टेंसी एजेंसी 3,000, 4,000, 6,000 रुपए लेती, वैसे नहीं लिया जाता है। गाइस देखिए YouTube और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको जो है लूटने का काम हद से ज्यादा मिलता है, हद से ज्यादा। मैं खुद बोल रहा हूं ना कि हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, और कि मतलब सर कि जो है हम लोग वहां गए थे, हम लोग देखिए सर ये स्क्रीनशॉट है, हम लोगों ने उसको पेमेंट किया, 10 दिन बिठाया या फिर 10 दिन ड्यूटी किया, तो जो है घर से फोन आ गया जाने का था लेकिन उन्होंने भेजा नहीं, तुम्हारा पैसा रिफंड नहीं होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। और पेमेंट भी कितना, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, इवन तक 10-10 हजार रुपए देते हैं काम के लिए लोग। तो गाइस रिक्वेस्ट आपसे, अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स मेरा माने तो आप जॉब के लिए कहीं पर भी पैसा नहीं दें, और नहीं देने की जरूरत है। आजकल जो है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फ्री में जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं। अब वो कंपनी कैसे मैनेज करती है, कैसा नहीं करती है, वो कंपनी के ऊपर है, लेकिन कैंडिडेट से एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। और हमारी कंपनी भी उसी पॉलिसी पे चलती है, आपको बेफिक्र होकर कॉल करना है और बिना टेंशन का आराम से जॉब करना है। आपके लिए हमारे पास में एनी टाइम एवरी टाइम जॉब रेडी रहती है, सिक्योरिटी गार्ड से लगाकर, हेल्पर से लगाकर, एक्सपीरियंस कैंडिडेट से लगाकर, नॉन एक्सपीरियंस फ्रेशर्स तक लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हमारे पास काम रेडी रहता है। फर्क इतना ही है कि काम करने वाला बंदा चाहिए, काम करने वाला बंदा होना चाहिए, भटकने वाला बंदा नहीं चाहिए। भटकने का मतलब समझते ना, जो 1 महीना यहाँ करेगा, 3 महीना कहीं और करेगा, 4 महीना कहीं और करेगा, वो कैंडिडेट्स जो है ना सक्सेस नहीं होते हैं, रियल बताऊं तो, क्योंकि उनको कहीं पर भी एक चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता। फिर वो जो है 6 महीना किसी गाड़ी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेंगे, तो 6 महीना कहीं पर मैकेनिक का एक्सपीरियंस लेंगे, फिर वो ऐसा कॉम्बिनेशन कॉम्बो हो जाता है कि वो कहीं का नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी जाएं कंटिन्यू 6-7 महीने काम करें, ताकि आपकी सैलरी भी बढ़े, आपकी इमेज भी बढ़े। आप मान लो छोड़ के काम घर पे जाते हैं, तो आपको वापस आने पर भी जो है आपको पहले बुलाया जाता है कि नहीं सर बंदा अच्छा था, उसने 6 महीना 4 महीना काम किया, अच्छा काम किया, उसको पहले बुलाओ, तो आपको फोन करके बुलाते हैं। तो ऐसा जो है बिहेव रखे वहां पे। तो फ्रेंड्स आपसे अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है कि टाइम पास के लिए कॉल नहीं करें। कॉलिंग का टाइम हमेशा आप लोगों के लिए हमारा जो है 10 से 5 बजे तक, संडे सैटरडे नो कॉल, संडे सैटरडे फोन नहीं करें। आप जो है संडे सैटरडे चैट कर सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो सैटरडे संडे जानबूझ के कॉल करते हैं, या पता नहीं उनको पता नहीं होता, सिर्फ वो वीडियो में जो है सैलरी देखते हैं और बाकी चीजें देखते नहीं है, कॉल कर देते हैं संडे के दिन। फिर अगेन वो मंडे ट्यूसडे को जो है कमेंट्स करने लगते हैं कि सर आप तो जो है फोन उठाते नहीं है, 3-4 बार फोन किया था फोन नहीं उठाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि संडे सैटरडे नो कॉल। तो गाइस 15,000 सैलरी है, रूम कंपनी की तरफ से है, 8-9 आवर्स ड्यूटी है, वेयर आउट्स में काम है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल जॉब आप लोगों के लिए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर जरूर करें। शेयर करने का गाइस आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपका शेयर, आपका लाइक और आपका कमेंट्स हम लोगों का मनोबल एक बढ़ाता है,
इससे क्या होता है कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल जॉब लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं कुछ एक और नई अपडेट में, नई जॉब के साथ में, तब